बड़ा मज़ा आता था यू you नो know, लड़के टीचर्स की नकल उतारने में एंड यू नो सबकी एक्टिंग करने में सबको इमिटेट करने में एक्चुअली पहला परफॉर्मेंस मेरी क्लास में दिया था मैंने मेरी टीचर की ना नकल उतारी थी मैंने एंड उस टीचर ने मुझे देख लिया नकल उतारते हुए वहाँ से सबको पता चल गया ये तो लड़की एक्ट्रेस बनेगी मैं कैसी दिख रही हूँ मैं कैसी स्क्रीन पर लग रही हूँ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ऑडियंस को क्या दे रहे हैं द टैलेंट द क्राफ्ट दैट यू आर शोइंग दैम इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट जैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अलावा आपने जब साउथ की तरफ अपना सफ़र शुरू किया सबसे बड़ा परेशानी जो था वो लैंग्वेज बैरियर ये तो हम जानना चाहेंगे कि ये कैसे ओवरकमें आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे ना होगा और लैंग्वेज बैरियर क्या है यार इट्स ऑल इन द एक्सप्रेशन इट्स ऑल इन द आईज दिल में दिल में रहता है आँखों में रहता है एक्टिंग क्या है जो लोग एक्टिंग में अपना करियर देख रहे हैं दो चीज़ों पे समझने वाली बात है पहला कि मेन फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से अलावा भी एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री जो अभी डेवलप होकर सामने आ रही है उसमें काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है और स्पेशली महिलाओं के लिए वो कितना से बॉलीवुड वर्कस रियली इन अ डिफरेंट वे साउथ पीपल वर्क इन अ डिफरेंट वे वो टाइम से शुरू करते हैं टाइम पे ख़त्म करते हैं उनके कॉन्सेप्ट बहुत अलग होते हैं वो आपको भगवान की तरह ट्रीट करते हैं नमस्कार हमारा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं द फॉलो अप हमारे साथ सिमरन है सिमरन रांची की रहने वाली हैं और फिलहाल ये साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमा रही हैं फिल्मों में काम कर रही हैं बतौर अभिनेत्री काम कर रही हैं सिमरन हमारे साथ हैं इन्हीं से जानेंगे कि इनकी जानका इनकी जो जर्नी है रांची से कैसे शुरू हुई और कैसे ये साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंची सिमरन बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले सिमरन रांची से शुरुआत करेंगे कि जब आप स्कूल में थी वहाँ से जर्नी की शुरुआत करते हैं कैसे स्कूल में थी और फिर एक्टिंग की तरफ जो इंटरेस्ट बढ़ा एक जादुई दरवाज़ा था वो खोला और अंदर चली गई अब पहुँच गई एग्जैक्टली अब उस जादुई दरवाजे के अंदर कितनी बड़ी जर्नी थी कितना मुश्किल था इट वॉज रियली रियली डिफिकल्ट बट देन इट इज जस्ट द बिगिनिंग आई हैड स्टार्टेड वेरी अर्ली बचपन से डांसिंग का बहुत शौक था बचपन से एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ एंड सो या इट्स इट ऑल स्टार्टेड विथ डांसिंग एंड देन आई वेंट फॉर अ रियालिटी शो आई वन दैट रियालिटी रियालिटी शो दैट डांसिंग रियालिटी शो एंड देन उसके बाद फोटोशूट्स मीटिंग्स ऑडिशंस ये सब करते करते साउथ इंडिया पहुँच गई सो आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम अ तेलुगु डायरेक्टर एंड ही सॉ सम वीडियोज ऑफ माइंड सम डांसिंग वीडियोज सम एक्टिंग वीडियोज ऑफ माइंड एंड ही जस्ट सो द कैरेक्टर इन मी एंड दे जस्ट फाइनलाइज्ड मी इन अनदर टू डेज सो दैट्स हव आई गॉट माई फर्स्ट साउथ फिल्म जब फिल्म से लौटते हैं रांची आते हैं जब स्कूल में पढ़ रही थी आप और आपके स्कूल का स्टेज का वो पहला परफॉर्मेंस वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं स्कूल के स्टेज का पहला परफॉर्मेंस एक्चुअली पहला परफॉर्मेंस मेरी क्लास में दिया था मैंने मेरी टीचर की ना नकल उतारी थी मैंने एंड उस टीचर ने मुझे देख लिया नकल उतारते हुए वहाँ से सबको पता चल गया ये तो लड़की एक्ट्रेस बनेंगी स्कूल? केरली स्कूल और ये किस क्लास की बात है? ये हो रही है मैं हूँ मैं थी सिक्स स्टैंडर्ड में एंड मुझे बड़ा मज़ा आता था यू you नो know, लड़के टीचर्स की नकल उतारने में एंड यू नो सबकी एक्टिंग करने में सबको इमिटेट करने में तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड देन हाँ डांस तो करती थी स्टेज शोज एनुअल एनुअल परफॉर्मेंसेज ग्रुप्स को सिखाती थी वो सब तो चलता ही था बट देन ये जो जो मेजर था ये वहाँ से स्टार्ट हो गया वहाँ से मुझे पता चल गया कि अच्छा कोई तो कीड़ा है जो अंदर दौड़ रहा है अच्छा जब आप अभी आप साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं जो भी आपका तीन चार साल का एक्सपीरियंस है जो लोग एक्टिंग में अपना करियर देख रहे हैं दो चीज़ों पे समझने वाली बात है पहला कि मेन फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से अलावा भी एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री जो अभी डेवलप होकर सामने आ रही है उसमें काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है और स्पेशली महिलाओं के लिए वो कितना सेफ है uh, मैं जेन्यूनली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि दे आर वेरी नाइस पीपल दे आर वेरी जेन्यून पीपल सबसे पहली बात आप अगर आप किसी काम में आपके पंक्चुअलिटी है तो आप सक्सेसफुल हों अमिताभ बच्चन सर जो हैं वो अपने काम में इतने डेडिकेटेड रहते हैं आज भी और वो हमेशा पंक्चुअल हैं आज वो सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं तो मेरे लिए जो की पॉइंट्स हैं जैसे मैंने साउथ में काम किया है तो सबसे पहली बात वो पंक्चुअल होते हैं और उनके उनकी जो उनकी जो डेडिकेशन होती है वो यूजुअल से बहुत अलग होती है इट्स इट्स एक्चुअली वेरी डिफरेंट फ्रॉम बॉलीवुड बॉलीवुड वर्कस रियली इन अ डिफरेंट वे साउथ पीपल वर्क इन अ डिफरेंट वे वो टाइम से शुरू करते हैं टाइम पे खत्म करते हैं उनके कॉन्सेप्ट बहुत अलग होते हैं वो आपको भगवान की तरह ट्रीट करते हैं स्पेशली गर्ल्स वेन इट कम्स टू गर्ल्स आप उनके लिए गॉड हैं सो दैट्स हाउ दे वर्क एंड दे ट्रीट यू अच्छा आपकी जो जर्नी रही उसमें हम जानना चाह रहे थे कि आप सीधे साउथ इंडस्ट्री पहुँच गए या जैसे अगर मैं ये सपना देखता हूं कि मुझे एक्टर बनना है तो मैं पहले बॉम्बे का सोचूंगा बिल्कुल तो आपका क्या रहा नहीं ऐसे 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 मेरा, मेरा यह ख्याल है कि आप बॉम्बे का क्यों सोचेंगे आप यहां सोचिए यहां से भी शुरू हो सकता है आप आप खुद के क्राफ्ट पे काम करिए आजकल आज के टाइम पे सब मैं कैसी दिख रही हूं मैं कैसी स्क्रीन पे लग रही हूं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ऑडियंस को क्या दे रहे हैं द टैलेंट द क्राफ्ट देट यू आर शोइंग दैम इज रियली रियली इम्पोर्टेंट आप ये मत बताइए कि आप ये मत सोचिए कि मैं अगर मैं अमेरिका जाऊँगा अगर मैं मुंबई जाऊँगा तो ही मैं एक्टर बन सकता हूँ नो 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 आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं अपने घर से शुरू कर सकते हैं आप वीडियोस बना सकते हैं आप अपने घर पे एक्टिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड देन आप इट्स अक्रॉस टू पीपल कास्टिंग डायरेक्टर्स को भेजिए हो सकता है आपको चांस मिल जाए अच्छा जैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अलावा आपने जब साउथ की तरफ अपना सफर शुरू किया सबसे बड़ा परेशानी जो था वो लैंग्वेज बैरियर ये तो हम जानना चाहेंगे कि ये कैसे ओवरकम किया ब्रूस ब्रूसली वन सेड आई फियर नॉट द मैन हु प्रैक्टिस टेन थाउजेंड किक्स आई फियर द मैन हुज प्रैक्टिस वन किक टेन थाउजेंड टाइम्स तो मैं सेम चीज़ अपने क्राफ्ट में एड करती हूँ आई प्रैक्टिस द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन ये ये मेरी मॉम से भी मैंने सीखा है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे ना होगा और लैंग्वेज बैरियर क्या है यार इट्स ऑल इन द एक्सप्रेशन इट्स ऑल इन द आईज दिल में दिल में रहता है आँखों में रहता है एक्टिंग क्या है convincing भी भी, भी तो लगना चाहिए ना आपके जुबान से डेफिनेटली ंग की आप प्रैक्टिस करेंगे आप उसको मग अप आई मग अप दई लर्न इट बाई हार्ट मैं सेट पे जाऊंगी आई हैव टू बी प्रिपेर आई के नॉट हराज द डायरेक्टर की मेरी हीरोइन को डायलॉग्स याद नहीं है नो आई के नॉट बी लाइक दैट आई हैज बी परफेक्ट अदरवाइज इट इज नॉट गुड फॉर मी हाँ सो अभी आने वाली जो प्रोजेक्ट हैं उसमें कौन कौन से लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं जिन्हें एज ऑडियंस हम जानते हैं uh, आप शायद तमिल सिनेमा के बारे में अगर जानते हो तो आपको पता होगा कि सतीश कौन है सो आई एम वर्किंग अलॉन्ग साइड सतीश जी ही इज़ अ बिग कॉमेडियन इन तमिल इंडस्ट्री एंड उनकी अभी अभी की फिल्म आई है कंजूरिंग का नंपन जो बहुत बड़ी हिट हुई है सो आई थिंक अभी जो हमारी नेक्स्ट फिल्म आ रही है आई वोट आई वोट रिवील द डेट बट फेबर रिलीज डेट मतलब फेबररी में रिलीज़ फिक्स हो गई है So, yeah, I'm working with uh, Satish and uh, it is uh, helped by my, my director Venki and uh, produced by uh, 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 Vijay Pandi uh, from White Carpet Films. No, it's called Vittai Karan. Vittai Karan ka matlab hai magic. Magician. It's different. different. It's different from what you have seen usually. It's a dark comedy. Dark comedy. It's a dark comedy. What's the process? Again, auditions. ऑडिशंस एंड यू डेफिनेटली हैव टू बी गुड एट व्हाट यू आर वर्क कनेक्शन बट इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आई एम सो सॉरी टू से बट कि आप मतलब जो लोग पार्टी में जाते हैं वो सोचते हैं कि हम बॉलीवुड uh, मतलब बॉलीवुड के लोगों के साथ पार्टी करेंगे या फिर यू नो उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे तो हमको फिल्म मिल जाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता नहीं On filmy background people like the common man. It's I. It's it's only through auditions. Okay. It's purely through auditions. So, one suggestion hai, whenever you are there, tell your directors to shoot some films in Jharkhand too. It's a beautiful place. Definitely, definitely. I think uh, they're getting subsidy also here. Yeah. Uh, yes, definitely. Why not? तो ये थी सिमरन गुप्ता हमारे साथ अभिनेत्री हैं और रांची की हैं इनकी आने वाली फिल्मों को जरूर देखें और बाकी तमाम चीजों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द फॉलो अप धन्यवाद द फॉलो अप डॉट इन लाइक एंड सब्सक्राइब